हेलो एंड वेलकम बैक एवरी वन टू ऋतु अकेडमी स्वागत है आप सभी का तो आज हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिट जी, जी में टीचिंग वेकेंसीज निकली हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अच्छी खासी सैलरी मिलती है बहुत अच्छा स्कोप है एंड फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और जो जॉब पोस्टिंग है वो भी बहुत सारी लोकेशंस पे हैं तो कोई ना कोई लोकेशन आपको सूट कर ही जाएगी तो टीचिंग करियर जो लोग चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स फॉर जे ई ई मेन्स जे ई एडवांस जूनियर साइंस ओलंपियाड एन टी एस सी एंड सीनियर ओलंपियाड्स ठीक है इसमें यही नहीं है कोचिंग क्लासेस के लिए भी है और साथ साथ आपकी जो फिट जी के स्कूल्स हैं उनमें भी पी जी टी टी जी टी एंड पी आर टी सारी टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी निकली हुई है ठीक है तो फिट जी जो है इस आ, इसके बारे में एक बार देखते हैं क्या है सन सनर्जेटिक प्रपेशन फॉर जे ई ई मेन्स जे ई एडवांस एंड ट्वेल्थ बोर्ड के वी पी वाई एंड इंटरनेशनल ओलम्पियाड फ़िजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की वैकेंसी है सैलरी जो है आपकी वो पर एनम निकलेगी ईयरली होगी ट्वेंटी लैख से लेके टू करोड़ तक फिर बी में आता है सिनर्जेटिक प्रिपरेशन फॉर आरमो आई ओ क्यू एम जूनियर साइंस ओलम्पियाड एन टी एस सी क्लास नाइन्थ एंड टेंथ बोर्ड्स किसके लिए साइंस मैथ सोशल स्टडीज एंड मैथ सैलरी जो है आपकी वो एट लाख पर एन से फोटी लाख पर एन तक एंड फिर आता है आपका फॉर क्लासेस सिक्स टू एट स्कूल एग्जाम आर एम ओ आई ओ क्यू एम जूनियर साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन एन टी एस सी क्लास सिक्स टू एट स्कूल एग्जाम साइंस मैथ्स सोशल स्टडीज़ एंड मैथ सैलरी है आपकी सेवन लैख पर एन एम से फोट थर्टी पर एन एम तक अब फिर जिस स्कूल्स के बारे में बात करें तो एस वन ये कैटेगरी भी हमें आ, याद रखनी पड़ेगी कि हम किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं कैटेगरी ए बी सी या फिर एस वन एस टू एस थ्री लाइक दिस पी जी टी है इन इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन तो क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट विद बी एड और एक्वेलेंट फिर एस टू में है टी जी टी इन इंग्लिश तमिल हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस एंड फ़िजिकल एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए विद बी एड और एक्वलेंट टीचर्स ऑफ फॉरन लैंग्वेजेस में फ्रेंच जर्मन एंड स्पेनिश पी आर टी इन इंग्लिश तमिल हिंदी मैथमेटिक्स एंड ई वी एस तो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट mm -hmm. फिर के जी टी मदर टीचर्स होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद एन टी टी एम टी टी बी एल एड और इक्वलेंट सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनको सैलरी मिलेगी फिर है आपका कि uh, एक बार देख लेते हैं रिज्यूमे कैसे भेजना है आपको अप्लाई करना है डब्ल्यू 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 डॉट फ़िट जी एच आर डॉट कॉम पर या फिर आप अपना रिज्यूम जो है विद पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ कॉन्टैक्ट नंबर ई मेल आई डी आ, के साथ सेंड कर सकते हैं जिसमें क्लैरिफाई क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा हो सब्जेक्ट एंड रिलेवेंट कैटेगरी कौन से सब्जेक्ट के लिए और किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो और रिक्रूटमेंट शेड्यूल भी एंड लोकेशन एट करियर एट फिट जी डॉट कॉम पर या फिर आप कुरियर कर सकते हो रिज्यूम को जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ उसमें ठीक है अब फेजेस क्या हैं आपके इसके फ़ेज़ वन है 2022 की ज्वाइनिंग शेड्यूल वन में डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है थर्टियथ जनवरी और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है एटीनथ जनवरी टू थाउजेंड टू ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी आपकी ट्वेंटी सेवन्थ फैब की फिर शेड्यूल टू में है आपका ट्वेंटी फैब से फोर्थ फैब लास्ट डेट अप्लाई की सेवनटीन अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इस तरह से ट्वेंटी एट्थ फैब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक की ज्वाइनिंग के लिए आपको ये इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे हैं तो प्लेस ऑफ वर्क क्या हो सकता है दिल्ली एनसीआर साउथ दिल्ली द्वारका ईस्ट दिल्ली अमृतसर बेंगलोर भिलाई भोपाल भुवनेश्वर बोकारो चंडीगढ़ चेन्नई कोयम कटक धनबाद देहरादून दुर्गापुर गोरखपुर ग्वालियर हैदराबाद इंदौर तो ये बहुत सारी हैं आपकी विशाखापट्टनम वाराणसी विजयवाड़ा वडोदरा शक्ति नगर तो लोकेशंस भी आपकी बहुत सारी हैं या तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको देख सकते हैं फिर ट्रेनिंग के लिए आपकी हो सकती है दिल्ली, दिल्ली चेन्नई या हैदराबाद कहीं पर भी हो सकती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना थैंक यू एवरी